हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं शांतनु सिंह आपका स्वागत करता हूं एटीपी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो यार बच्चों, आज भी मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा। क्यों नहीं आ पाऊंगा? मौसम खराब चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, काफ़ी रोमांटिक मौसम चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम रिकॉर्डेड ही डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो और रिकॉर्डेड की ही बात करते हैं। आज का हमारा ट्रिक आने वाला है कैपेसिटर के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत बेहतरीन है, मतलब कई जगहों पे तुम्हारा ये कैलकुलेशन बचा सकता है और मिस्टेक्स बचा सकता है, और बिल्कुल विद इन सेकेंड तुम आंसर ला सकते हो। खास तरह का ये ट्रिक है, बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए आज मैं ये ट्रिक लेके आया हूँ कैपेसिटर का। बिल्कुल देखना, अंत तक वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है। और ATP की नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, क्योंकि जितने सारे वीडियो आएंगे सबसे पहले तुम्हें पता चलना चाहिए कि वीडियो आ चुका है, वरना पता कैसे चलेगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जम के करना। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। तो आज कैपेसिटर के ऊपर हम बनाने वाले हैं ट्रिक। ठीक है, अब ट्रिक क्या है समझना। ट्रिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। कई बार सवाल ऐसा आता है, मेरी बात समझना गौर से, कई बार सवाल ऐसा आता है कि यार देखना, मेरे पास दो कैपेसिटर चार्ज है। सवाल सुनना, मेरे पास दो कैपेसिटर चार्ज है, एक की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की कैपेसिटेंस C2 है, दोनों चार्ज है। चार्ज कैसे है? तो मैंने बोला यार, एक पे चार्ज है प्लस Q1, एक पे चार्ज है माइनस Q1, एक पे चार्ज है प्लस Q2, दूसरे पे चार्ज है। अब सवाल ये रहा कि मान लो, दो तीन तरीके का सवाल पूछता है इसमें, कि मान लो मैंने सेम पोलैरिटी के साथ दोनों को जोड़ दिया। सेम पोलैरिटी बोले तो ये C1, ये C2, इस प्लस माइनस को आपस में जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद इस पे चार्ज कुछ Q1 बच जाएगा और इस पे चार्ज माइनस Q1, इस पे चार्ज Q2 और प्लस में, और इस पे Q2 माइनस में, ये पूछ पड़ जाएगा। मुझे बोला Q1 निकालो, मुझे बोला Q2 निकालो और मुझे बोला एनर्जी में लॉस निकालो। तीन चार तरीके का सवाल पूछता है। या तो वो सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करेगा या वो अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करेगा। अपोजिट पोलैरिटी बोले तो जैसा कि ऐसा, इसका प्लस इसका माइनस और इसका माइनस इसका प्लस, ये C1 और ये C2। अब बोला कि इस पे बताओ मुझे Q1 क्या होगा प्लस में और ये माइनस में, Q2 क्या होगा, ये बताओ मुझे Q2 माइनस में क्या होगा, Q2 प्लस में क्या होगा। इस तरह का कई बार हमारे पास सवाल आता है और हम क्या करते हैं, तो हम इसमें लगाते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और फिर इस तरह के सवालों को अटेम्प्ट करते हैं कि अपने को सवाल कैसे करना है। तो भाई KVL लगाएंगे, दोनों मेथड में बता रहा हूँ। एक तो मैं बताऊंगा तुम्हें KVL से कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं, एग्जांपल से बताऊंगा, और फिर ट्रिक क्या है कि कैसे इस सवाल को हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आज मेरा मेन एम इसी के ऊपर होने वाला है कि कैसे अपन इस तरह के सवालों करें कि दो चार्ज कैपेसिटर या एक चार्ज एक अनचार्ज जो भी रहे, जैसा भी कॉम्बिनेशन दे, एक को चार्ज कर दिया, एक को चार्ज नहीं किया, दोनों को चार्ज कर दिया, सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया, अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया, तो कैसे सॉल्व करें कि लॉस कितना होगा और फाइनल दोनों के ऊपर चार्ज कितना होगा, कैसे सॉल्व करें। तो आज का ट्रिक स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल बोले तो हमने बोला कि यार चलो एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 2 फैराड, और मैंने तुम्हें एक कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दी? कि यार ऐसा मान के चलो कि इस 2 फैराड के ऊपर मैंने कुछ चार्ज दे दिया। तुम्हें बोला यार कितना चार्ज दिया? मैंने बोला यार इसके प्लस 4 कूलम इसको चार्ज कर दिया, प्लस 4 माइनस 4 कूलम से इसको चार्ज कर दिया मैंने चार्ज कर दिया। अब मैंने बोला इसके पड़ोसी में एक और कैपेसिटर है, कितने है? मैंने बोला यार इस कैपेसिटर को ऐसा मानो ये भी कोई कैपेसिटर ही है, 1 फैराड का मान लेते हैं। तुम बोला बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज लो? तो हम बोले यार इसके ऊपर एक काम करो यार, तुम 7 कूलम ले लो। तुमने यार चलो ले लेते हैं प्लस 7 कूलम और यहां ले लेते हैं 7 मत लो, एक काम करो इसमें तुम ले लो प्लस 5 कूलम यहां पे और माइनस 5 कूलम यहां पे। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, जस्ट एक एग्जांपल ले लिया। मुझे बोला कि जब दोनों को मैंने सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ा, कैसे जोड़ा, सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ा, तो फाइनली दोनों के ऊपर कितना चार्ज होगा। ध्यान से सुनना, सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ा, तरीका दो है। पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं कन्वेंशनल मेथड कैसे काम करता है।
कैसे अपन निकालते हैं इसका कन्वेंशनल मेथड, और फिर मैं ट्रिक बताऊंगा कि करना क्या अपने को। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि यार कन्वेंशनल मेथड क्या बोलता है, केवीएल लगा दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो। जैसे कि मैं क्या बोलूं, यहां पे मेरे पास प्लस फोर है, यहां पे मेरे पास माइनस फोर है, यहां मेरे पास प्लस फाइव है, यहां मेरे पास माइनस फाइव है। मैंने बोला कि यार ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि प्लस फोर वाले से क्यू चार्ज निकल गया, क्योंकि ये दोनों प्लेट पे नेट चार्ज जीरो, क्यू चार्ज को मैंने पूरा फ्लो करवा दिया, इससे क्यू निकला, इसमें घुसा, फिर इससे निकला और इसमें घुसा। अब जो कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जो कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इस पॉइंट को ए बोला, इस पॉइंट को बी बोला, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो किरचॉफ के अकॉर्डिंग अगर तुम पोटेंशियल सेम करोगे तो 4 माइनस क्यू अपॉन ये 2 फेराड है और ये 1 फेराड है, 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 5 प्लस क्यू अपॉन 1 फेराड है। यहां से अगर तुम क्यू की वैल्यू निकालते हो, जस्ट देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, क्यू की वैल्यू निकालता हूं, या गया 4 माइनस क्यू इज इक्वल टू 10 प्लस 2 क्यू, दिख रहा तुम्हें 4 माइनस क्यू इज इक्वल टू 10 प्लस 2 क्यू, इसको लेके गया अपन बोल दिए कि 5 प्लस 2, 5 टू 10 और ये 2 क्यू हो गया, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए। जैसे तुमने इसको इधर लेके गए, सपोज करो तुमने इसको इधर लेके गया, तो यह गया माइनस 6, देखना गौर से, इज इक्वल टू 3 क्यू, देन क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 कूलम, क्यू की वैल्यू आ गई माइनस 2 कूलम। अब क्यू की वैल्यू माइनस 2 कूलम आ गई, तो फिर मैंने बोला यार पहले ऊपर के चार्ज बताओ, तुमने यार चार्ज निकालना है, तो ये लो मैं चार्ज बताता हूं, फाइनल चार्ज क्या होने वाला है, 4 माइनस क्यू, माइनस क्यू बोले तो 4 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 6 कूलम, माइनस 4 क्यू माइनस 2 प्लस 6, तो यहां माइनस 6, ये 2 फैराड की बात हो गई। नीचे वाले की अगर बात करूं, Q प्लस 5 3 कूलम, 5 प्लस क्यू, क्यू क्या है माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, यह तरीका वो फाइनल चार्ज ये होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा तुमने ये मेथड लगाया फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बोला लॉस बताओ, मैंने पूछा लॉस बताओ, लॉस के लिए फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी तुम्हें करना है। इनिशियल एनर्जी की अगर बात की जाए तो दोनों कैपेसिटर चार्ज है, एनर्जी कितनी होती है q स्क्वायर बाई 2c, q स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस दूसरा भी चार्ज है 5 स्क्वायर बाई 2 इंटू 1, ये इनिशियल एनर्जी हो गई। अपन फाइनल एनर्जी की बात करें, u फाइनल मस्ट बी इक्वल टू, इस पे 6 कूलम है, इस पे 3 कूलम है, q स्क्वायर बाई 2c प्लस इस पे 3, फाइनल भी निकाल दिया। मैंने बोला यार लॉस बताओ, तुमने बोला यार यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि यू फाइनल यू इनिशियल से कम होगा भाई, कम होगा तब पोटेंशियल ये डिक्रीज करेगी, तब तो ये फ्लो किया, वरना फ्लो क्यों करता, हर चीज अपनी पोटेंशियल ये कम करना चाहता, यानी कि लॉस जो होगा वो होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अगर पॉजिटिव वैल्यू तुम्हें चाहिए तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड वाइज ले लिया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये पूरा मेथड होगा प्रॉपर, अगर तुम प्रॉपरली इस सवाल को सॉल्व करने गए तो ऐसे तुम्हें पूरा केवीएल लगा के ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज माय ट्रिक, कैसे करें इसको सॉल्व। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम बिना इतना कुछ किए लॉस भी निकाल सकते हो, चार्ज भी निकाल सकते हो, वही मेन ट्रिक है मेरा। जनरली बहुत लोगों को ये ट्रिक पता होती है, बट चलो ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, स्टार्ट कर दे। स्टार्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूं, देखो समझना बहुत प्यार से समझना, क्या समझा रहा हूं, मौसम भी रोमांटिक है, प्यार से समझना। देखो इधर, उधर कितना है भाई प्लस 4 कूलम, इधर कितना है माइनस 4 कूलम। नीचे वाले की अगर बात की जाए तो नीचे वाले पे प्लस 5 कूलम माइनस 5 कूलम। जरा एक बात बताओ, जरा हमको एक बात बताओ, इन दोनों प्लेट को, इन दोनों प्लेट से कोई मतलब है, मतलब यार अगर मैं बोलूं कि क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है, इस वाले को इधर वाले से कोई मतलब है, बीच में हवा भरा हुआ है, हवा
हवा में चार्ज थोड़ी फ्लो करेगा, यानी कि इन दोनों प्लेटों पे जो सम ऑफ चार्ज है मतलब 5 + 4 = 9 कूलम, वो 9 कूलम का ही दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई चार्ज इधर से कूद के उधर नहीं आ जाएगा। इन दोनों के प्लस 5 + 4 = 9 है, तो टोटल चार्ज अगर मैं दोनों प्लेट का जोड़ू तो 9 ही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कुछ भी चेंज हो, इन पे जो नेट चार्ज रहेगा दोनों प्लेट को जोड़ के वो 9 कूलम ही रहेगा और कुछ भी नहीं रह सकता, पक्की बात है, क्योंकि इस प्लेट का इसके साथ कोई करेक्शन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, चार्ज हवा में फ्लो करके नहीं, ऐसा नहीं किया कि 9 से हवा में फ्लो किया 2 कूलम घर चला गया आप साथ ही बचा, ऐसा नहीं होता, हवा में चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, मतलब ये दोनों प्लेट मेरा आइसोलेटेड प्लेट है जिसको इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरे पास टोटल दोनों प्लेट को जोड़ के 9 कूलम चार्ज रहने वाला है। अब मेरी बात सुनना कि आखिर ट्रिक है क्या, तुमने देखा कि दोनों के ऊपर 9 कूलम चार्ज है, मैंने बोला ये दो टर्मिनल है, इसको बोला मैंने ए, इसको बोला मैंने बी, इस ए और बी टर्मिनल के बीच में ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, इस ए और बी टर्मिनल के बीच में ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, और पैरेलल में अगर सी इक्विवेलेंट की बात की जाए तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट होता है सिंपली एडिशन, मतलब सिंपल ऐड करो 2 + 1, ये 1 फैराड है, ये 2 फैराड है, तो इन दोनों कैपेसिटर को मैंने गायब करके एक कैपेसिटर दिया, कितने का, 3 फैराड का। अब मैंने बोला कि यार इन दोनों पे टोटल चार्ज 9 कूलम है, तो ऐसा मैं सोच रहा हूं कि अगर यहां से 9 कूलम चार्ज आएगा तो कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, टोटल चार्ज 9 रखना है, तो मतलब 9 अगर मैं इधर से भेजू तो कुछ ऊपर कुछ नीचे, यानी कि यही 9 कूलम चार्ज इस 3 फैराड पे आने वाला है, एक्चुअली मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट 3 फैराड है, तो यही 9 कूलम चार्ज इस 3 फैराड पे आने वाला है, तो यहां जो वोल्टेज फाइनल वोल्टेज होगा, यहां जो वोल्टेज फाइनल होगा 3 के लिए, वोल्टेज फाइनल होगा 9/3, वोल्टेज होता है Q/C, Q net/C इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। सवाल हो गया खत्म। ए और बी के बीच में फाइनल पोटेंशियल 3 वोल्ट ही होगा, ए और बी के बीच में फाइनल पोटेंशियल 3 वोल्ट ही होगा, और अगर 3 वोल्ट होगा तो सवाल यह हो गया कि पहले वाले पे जो चार्ज होगा Q = CV 2 × 3, दूसरे वाले पे जो चार्ज होगा Q = CV 3 × 1, सेम है। तुम कहोगे यार वही आसान था, वो तो सिंपल था निकालना, मैं बता रहा हूं ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है, तो प्रैक्टिस करो, देखो मैं दिखाता हूं एक वेरिएशन ऑफ सवाल दिखाऊंगा कैसे अपन तुरंत निकाल सकते हैं, ये तो सिंपल इसकी बात हुई, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये तो ज्यादा आसान लग रहा है, इनमें तो एक लाइन में निकल गया, सॉल्व कर लिया अपना क्यू निकल गया, भाई ये ज्यादा आसान है, तुम हवा में कर सकते हो सवालों को, मैं तुम्हें दिखाता हूं। अभी लॉस की बात करते, रुक जाओ, अभी लॉस की बात करते, लॉस के बाद तुम्हें समझ में आएगा कैसे अपन करते हैं। लॉस देखो, लॉस निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करो, लॉस निकालने के लिए एक तो ये तरीका है, लॉस का फॉर्मूला मैं तुम्हें एक दे रहा हूं सिंपल सा, लॉस इज इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 / C1 + C2 वी रिलेटिव, यहां वी वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज रिलेटिव का, इनिशियल वोल्टेज रिलेटिव का स्क्वायर, वी इनिशियल रिलेटिव का स्क्वायर, यहां वी वेलोसिटी नहीं वोल्टेज है। तुमने बोला यार यहां कैसे आ गया ये फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व। देखो 1/2 C1 बोले तो 2 C2 C1 + C2, वी इनिशियल रिलेटिव वोल्टेज का रिलेटिव पहले वाले पे चार्ज प्लस 4 कूलम 2 फैराड, वोल्टेज आ गया पहले वाले का 4 + 2 है ना, Q/C V = Q/C 2 वोल्ट, दूसरे वाले का वोल्टेज Q/C V2 = 5/1 5 वोल्ट, दोनों सेम पोलैरिटी से हमने जोड़ा, दोनों सेम पोलैरिटी से जोड़ा, अगर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव माइनस होता है, अगर अपोजिट में होती है तो रिलेटिव ऐड होता है, यहां सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ा रिलेटिव हो जाएगी, 2 - 5 करो या 5 - 2 कर दो, 3 आ गया आंसर, आ गया 3 का स्क्वायर, यानी कैसे बोलो 5 - 2 का स्क्वायर, यही हो गया लॉस, खत्म।
नहीं गणित का जरूरत है, फिनिश हो गया क्वेश्चन, सिंपल। अब यही सवाल अगर तुम बोलते यार तुम तो ऐसे कर दिया, मैं तो अपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ दूंगा, मैंने जोड़ ले अपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ ले और देखते हैं। अगर तुमने यही सवाल इसी सवाल को अपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ा तो मैं देखो ट्रिक के साथ कैसे करता हूं, देखना मेरे बात गौर से। मैंने बोला मेरे पास ये कैपेसिटर था 2 वोल्ट और ये 5 वोल्ट है। अब अपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ा मतलब मैं बोल रहा हूं ये -5 और ये +5, तो वोल्टेज तुम ले लो -5, अपोजिट पोलैरिटी, ये प्लस और ये माइनस। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई इसके ऊपर +4 कूलम है -4 कूलम है, तुमने बोला इसके ऊपर तो भाई -5 कूलम है और यहां है +5 कूलम, मैंने बोला ये कितना है, तुमने बोला अरे यार ये तो मेरा 2 फैराड है, और मैंने बोला ये कितना है, तुमने बोला ये 1 फैराड है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों प्लेटों पे नेट सम ऑफ चार्ज कितना है, इन दोनों प्लेटों पे नेट सम ऑफ चार्ज कितना है, -5 + 4 -1 कूलम, कितना चार्ज है -1 कूलम, -1 कूलम घुसेगा, दोनों 2 और 1 पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में क्या होता है एडिशन होता है। अगर इधर से नहीं समझ पाओ ना माइनस में, तो इधर से देख लो +5 - 4, ऐसा सोचो कि क्यू चार्ज यहां से घुसा, उल्टा सोच लो तुम्हारी मर्जी, तुम उल्टा सोच लो, क्यू चार्ज यहां से घुसा -+5 - 4 मतलब 1 कूलम को डिस्ट्रीब्यूट होना है, टोटल कितना है 3 फैराड है, 3 फैराड 1 कूलम, वोल्टेज विल बी Q/C यानी कि 1/3 वोल्ट, सवाल हो गया खत्म, वोल्टेज आ गया मेरा सवाल एक लाइन का बन गया, क्या बन गया वोल्टेज आ गया 1/3, वोल्टेज आ गया 1/3, यहां भी वोल्टेज 1/3, यहां भी वोल्टेज 1/3, इसका कैपेसिटेंस है 2 फैराड यानी कि यहां पे आ जाएगा +VC, VC 1 फैराड +1/3 -1/3, जोड़ो 2/3 +1/3 1, घुसा कितना था नेट +5 - 4 1 आ गया, लॉस 1/2 C1 × C2 C1 + C2 V रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर माइनस कर दो, 2 - −5 = 7, अपोजिट मतलब 7 आंसर। एक और एग्जांपल देख लो, अगर कंफ्यूजन है तो एक और एग्जांपल देख लो, कंफ्यूजन है तो देखो एक और एग्जांपल दिखाता हूं कितना सिंपली अपन सॉल्व कर सकते हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं, देखना कितना सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो मैंने ऐसा बोला कि यार 2 फैराड है +4 कूलम - 4 कूलम, मैंने बोला यार इसको भी सेम ही ले लेते, चलो 2 फैराड ही ले लेते हैं +8 कूलम - 8 कूलम, मैंने बोला सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ दिए, देखो 2 फैराड सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ा 4 + 8 = 8 + 4 = 12, कितना घुसने वाला है 12, 2 और 2 पैरेलल में 4, वोल्टेज विल बी 12/4 यानी कि 3 वोल्ट, 3 वोल्ट इसके क्रॉस, 3 वोल्ट इसके क्रॉस, यानी कि फाइनल चार्ज 3 × 2 + 6 - 6, फाइनल चार्ज 3 × 2 सेम चार्ज क्योंकि सी सेम है, लॉस 1/2 C1 + C2 C1 + C2 V रिलेटिव इनिशियल 4 कूलम 2 फैराड 4/2 8/2 4 - 2 का स्क्वायर खत्म। कैसे कर रहे हैं हम सवाल, आड़ी बात समझे, तरीका है ये, अपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ दिया कोई टेंशन नहीं है, देखो अपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ दिया, अपोजिट बोले तो माइनस प्लस
प्लस माइनस, मान लो भाई यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, यहां प्लस एट है, माइनस एट है, माइनस फोर है, प्लस एट माइनस चार, चार चार आया, चार घुसने वाला है, दो फैराड, दो फैराड, चार फैराड, वोल्टेज विल बी फोर अपॉन फोर यानी कि वन वोल्ट, खत्म, तो खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, वन इंटू टू प्लस टू कूलम माइनस टू कूलम, वन इंटू टू प्लस टू कूलम माइनस टू कूलम, दो प्लस दो चार, आठ माइनस चार चार, चार्ज कंजर्व, लॉस, लॉस, वन बाई टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, अपोजिट पोलैरिटी, चार और दो का अपोजिट, अपोजिट रिलेटिव में एड, चार प्लस दो खत्म हो गया, इट विल टेक लेसर टाइम। ये था आज का ट्रिक, कैसे कैपेसिटर का दो प्लेट की जोड़ने का सवाल को हल करते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम में ये सवाल आता है हम लोग के एग्जाम में, मेंस में भी पूछ चुका है ये सब सवाल, बहुत टाइम लग सकता है अगर मैं केवीएल लगाऊं, लॉस निकालूं, फाइनल इनिशियल पूरा माइनस करूं, इट विल टेक टाइम, बहुत टाइम लगेगा, कितना टाइम लगा मुझे सॉल्व करने में, 30 सेकंड, 30 सेकंड इज इनफ इस सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान दो कैसे किया मैंने। अगली वीडियो में फिर से अपन बात करेंगे, बहुत सारे ट्रिकों की बात करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, इतना सारा ट्रिक होगा कि आप लोग कहोगे यार अब तो कोई टेंशन ही नहीं है फिजिक्स में। ध्यान रखना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अगले मंथ ही हमारा एटीपी का ऐप लॉन्च हो रहा है, उस पर तो और भयंकर भयंकर धूम मचाने वाले हैं हम लोग, टेंशन मत लो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, लाइक करना, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, एटीपी का ऐप अगले मंथ लॉन्च हो रहा है, तो Stay tuned with ATP. मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में फिर से। बाय, टेक केयर।